आफ्टर हैपन द शिवम अगेन एन MH2E। तो वीडियो का टाइटल पढ़ लिया होगा आपने। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इंटेस्टाइन का डायग्राम कैसे बनाया जाता है। तो वीडियो को पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब करो यार। लेट्स स्टार्ट। तो बनाते हैं इंटेस्टाइन का डायग्राम। इंटेस्टाइन का डायग्राम बड़ा ही सिंपल डायग्राम है। अगर आपको पता हो तो जो इंटेस्टाइन है वो स्टमक है। स्टमक के जो पाइलर स्पिंचर हैं वहाँ से स्टार्ट होती है। मान लीजिए कि ये स्टमक है और ये पाइलर स्पिंचर है, ठीक है। तो ये पाइलर स्पिंचर है और इसके यहाँ से वाले पार्ट से इंटेस्टाइन स्टार्ट हो रही है। तो कुछ भी नहीं करना है आपको इसमें, इंटेस्टाइन का अगर आपको डायग्राम बनाना है, ठीक है, तो इसमें S और U, ठीक है, ये दो वर्ड अपन इसमें अंदर बनाएंगे और ये हेल्प करेंगे आपको इंटेस्टाइन को के डायग्राम को बनाने में, ठीक है। तो ये स्टमक यहाँ से स्टार्ट हो रही है अपनी इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन में सबसे पहले स्टार्ट, अगर आपने इंटेस्टाइन की एनाटॉमी पढ़ी है तो आपको पता होगा कि सबसे पहले आती है स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद में आती है लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो पहले स्मॉल आएगी उसके बाद लार्ज आएगी। तो जैसा कि मैंने बताया एस और यू का खेल है, तो पहले अब मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। आप सिर्फ इतना याद रखिएगा कि पाइलर के स्पिंचर से इंटेस्टाइन स्टार्ट हो रही है। तो एस और यू का खेल है तो पहले बनाएंगे अपन एस, ये एस, ठीक है, इसको डबल कर दीजिए, हो गया डबल। अब इसको थोड़ा घुमा दीजिए, घूम गया। अब यहाँ बनाएंगे अपन यू, ठीक है, उल्टा यू, ये रहा यू, ठीक है। अब थोड़ा ऊपर लेके जाइए इसे इस तरह से, ठीक है, और फिर यू बना देंगे इस तरह से, ठीक है, फिर घुमा दीजिए और ऊपर ले जाइए, ठीक है, यहाँ से घुमा के ऊपर ले जाइए, ठीक है, ठीक है। पहले एस बनाया, थोड़ा हल्का सा घुमाया, फिर यू बनाया, फिर उल्टा यू और फिर ऊपर ले गए, ठीक है। अब यहाँ से एक बार फिर एस बनाएंगे, इसे यहाँ छोड़ दीजिए क्योंकि ये पीछे घूम के यहाँ पे मिल जाएगी और एस बनाई वो इसके टच हो जाएगा ये ऐसा, ठीक है। ये एस बनाया जो इसके टच हो गया, एक और एस बनाया इसके टच हो गया, ठीक है, फिर एस बनाएंगे इसके टच हो गया, ठीक है, ये लीजिए, फिर एक ऐसे बनाएंगे जिसके टच हो जाएगा, ठीक है, ये लीजिए, ठीक है। अब फिर ऐसे बनाएंगे जो इसके टच हो जाएगा, ये टच हो गया, यहाँ से हल्का सा घुमाइए इसको और यहाँ तक लाके छोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है ना, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, अब पता है ये मैंने इसलिए छोड़ा है क्योंकि ये पीछे घूमेगी लार्ज इंटेस्टाइन और ये इस तरह से मिल जाएगा, इसके इस तरह से आवाज मिल जाते हैं, ठीक है। जब लार्ज इंटेस्टाइन को कवर करती है ना, तो ये जो वाली वाला पोर्शन है ना, इसके नीचे दब जाता है, तो इसलिए मैंने ये छोड़ा है, ठीक है। तो इसके बाद से आता है लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन को अपन दूसरे पेन से ड्रॉ करते हैं, तो ठीक है, यहाँ तक अपन छोड़ दिया। अब इसके बाद में आती है यहाँ से शुरू हो जाती है लार्ज इंटेस्टाइन, ये जो पार्ट है, ठीक है, यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन शुरू हो जाती है और जो ये वाला पार्ट है ये है इलियम, ठीक है, यहाँ तक इलियम है, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाएगी। तो अपन इसको लार्ज इंटेस्टाइन को यहाँ से लेंगे, लार्ज मतलब बड़ी, तो बड़ी वाले हम, तो इस तरह से ये, ठीक है, लाइक दिस। अब इसको क्या करना है कि इसको कवर कर लेते हैं, ठीक है,
ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है ये स्मॉल इंटेस्टाइन को कवर करती है। ठीक है, तो पहले कवर कर लेते हैं। से कवर कर लेगी इसको लाइक दिस। इस तरह से कवर कर लेंगे इसके ऊपर। तो इस तरह से इसको कवर कर लेती है लाइक दिस। यहाँ के छोड़ दीजिए। और जो ये इलियम वाला पार्ट है ये इसमें ज्वाइन हो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, तो इसे ज्वाइन करवा देते हैं अपन। ठीक है, और यहाँ पे आप जानते हो अपेंडिक्स। ठीक है, लाइक दिस। तो स्मॉल इंटेस्टाइन ज्वाइन हो गई लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, और लार्ज इंटेस्टाइन कवर कर रही है अब स्मॉल इंटेस्टाइन को, तो यहाँ तक जाएगी ये। ठीक है, अब यहाँ तक जाने के बाद हल्का से इसे टर्न कर लीजिए और इसे यहीं छोड़ दीजिए। ठीक है, अब नीचे का अपन कुछ बनाते हैं, रेक्टम और इनल केनाल लाइक दिस लाइक दिस। ठीक है, इस तरह से, और इसको इसमें ज्वाइन करवा दीजिए लाइक दिस और लाइक दिस। ठीक है, जो ये रेड वाला जो पार्ट है ये है लार्ज इंटेस्टाइन, और जो ब्लैक वाला पार्ट है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। पहचान गए होंगे आप कि जो इंटेस्टाइन है वो ड्यूडेनम से स्टार्ट होती है, और अपन इसकी अब नेमिंग करने वाले हैं। नेमिंग आपको पता चल जाएगा कि कौन सा पोर्शन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कौन सा पोर्शन क्या है। ठीक है, बड़ी सिंपल डायग्राम है, तो आइए आप इसकी नेमिंग करते हैं। तो आपको पता चल गया होगा जो मैंने ब्लैक वाला पार्ट है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन, और जो रेड वाला पार्ट है वो है लार्ज इंटेस्टाइन। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो पाइलोरिक स्पिंचर के यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो अपन नेमिंग कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, और स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले आपको मैं इसके पार्ट बता देता हूँ, कौन कौन से पार्ट है इसके। तो पहला पार्ट है ड्यूडेनम। ठीक है, पहला पार्ट है ड्यूडेनम, दूसरा पार्ट है जेजुनम, और तीसरा पार्ट है इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन तीन पार्ट का होता है, जो ये जो यहाँ से स्टार्ट हो रही है तो इसको कहते हैं ड्यूडेनम। ठीक है, और अब बात करते हैं जेजुनम की। तो ये जो यू बन रहा है ना बिल्कुल सीधा वाला यू, तो ये होता है, इसको मिटा देता हूँ मैं। मेरा जो पार्ट है ये है जेजुनम, JEJUNUM, जेजुनम, JEJUNUM, जेजुनम। ठीक है, अब जेजुनम ये पार्ट है, अब लास्ट पार्ट है इसमें इंटरेस्ट आएगा इलियम। जो ये जो यहाँ वाला पार्ट है ना, यहाँ ये जो पार्ट है इलियम। ठीक है, यहाँ पे आके ये ख़त्म हो रही है, तो जो ख़त्म हो रहा पार्ट है ये है इलियम। ठीक है, तो ये तो बात होगी स्मॉल इंटेस्टाइन वाले कि अपने नेमिंग कर दी। अब बात करते हैं जो लार्ज इंटेस्टाइन, जिसको मैंने रेड पेन से बताया, तो देखिएगा। ठीक है, तो जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो है रेड वाला। ठीक है, तो ये तो है लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन है रेड वाला। तो लार्ज इंटेस्टाइन है
तो जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके पहले अपन पार्ट देख लेते हैं कि कौन कितने टाइप का लार्ज इंटेस्टाइन होती है। ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन कितने टाइप की होती है मैं बता देता हूँ आपको, ताकि इसमें जो मैं लिखूँगा नेमिंग तो आपको आसानी रहेगी। तो पहला टाइप है असेंडिंग, असेंडिंग कोलन। ठीक है, दूसरा टाइप है ट्रांसवर्स कोलन। तीसरा टाइप है डिसेंडिंग, DES CEN DING, डिसेंडिंग कोलन। ठीक है, डिसेंडिंग कोलन। और लास्ट एंड फाइनल टाइप है सिग्मोइड कोलन। ठीक है, तो ये लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट होते हैं जो मैं इसमें बताने वाला हूँ। तो पहले बात करते हैं असेंडिंग की। ठीक है, जी ये जो इंटेस्टाइन है ये जब यहाँ से स्टार्ट करके ऊपर की ओर जाती है तो उसे कहते हैं असेंडिंग। ठीक है, ठीक है, असेंडिंग। नंबर दूसरा टाइप है ट्रांसवर्स। तो यहाँ से होती हुई असेंडिंग होती हुई यहाँ तक, ये यहाँ तक आ गई। ठीक है, तो ये जो पार्ट है ये है ट्रांसवर्स, TRANSVERSE। ठीक है, ट्रांसवर्स यहाँ तक होती आएगी, ये होगी ट्रांसवर्स। अब जैसे ही नीचे की ओर उतरेगी यहाँ तक, ठीक है, तो ये होती है डिसेंडिंग, DESCENDING, डिसेंडिंग। अभी यहाँ होती हुई नहीं होती 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 यहाँ तक आ गई नीचे। ठीक है, तो ये होता है सिग्मोइड। इनको मिटा देता हूँ मैं ताकि यहाँ पे स्पेस हो जाए। तो ये जो होती है ये होता है सिग्मोइड कोलन। ठीक है, इसके बाद में आती है ये रेक्टम, REC TM रेक्टम, और ये एनल केनाल। ठीक है, और क्या बचा, ये अपेंडिक्स। ठीक है, अपेंडिक्स। तो इस तरह से शानदार तरीके से इंटेस्टाइन का डायग्राम बनता है। तो अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया ये डायग्राम, तो आप इसको रिपीट करके देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया, तो देख लीजिए और समझ लीजिए, और साथ के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो और अच्छी आए। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिले, और बेल का बटन भी दबा लेना पास में, ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ।